दोस्तों, हम सब महाभारत के युद्ध से तो परिचित ही हैं। महाभारत के युद्ध में करोड़ों सैनिकों ने भाग लिया था और लगभग सारे मारे गए थे। इस युद्ध में कुल 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था, जिसमें 11 कौरवों की तरफ से और 7 पांडवों की तरफ से। आइए जानते हैं कि एक अक्षौणी सेना में कुल कितने सिपाही, घोड़े, रथ व हाथी होते थे। सामान्यतः एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़सवार तथा 109,350 पैदल सिपाही होते थे, जिसमें हाथी पर कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक था, एक फिलवान तथा दूसरा लड़ने वाला योद्धा। एक घोड़े पर एक सवार बैठा होता था। इसी प्रकार रथ में दो मनुष्य तथा 4 घोड़े होते थे। इन सब आंकड़ों के अनुसार महाभारत के युद्ध में कुल 3,93,06,600 सैनिक ने भाग लिया था, जिसमें पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी सेना मतलब 1,53,09,000 योद्धा तथा कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी यानी 2,40,05,700 योद्धाओं ने भाग लिया था। लगभग सारे योद्धा मारे भी गए थे। ऐसे ही रहस्यमय तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।